क्या बीजेपी और बीआरएस एक साथ हैं? आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स पर बात करेंगे जहां बीजेपी और बीआरएस की दोस्ती को लेकर कांग्रेस के लगाए गए एलिगेशंस और उनकी सच्चाई सामने आएगी। तीन ऐसे फैक्ट्स जिससे आपको समझ आएगा कि कांग्रेस आपसे झूठ बोल रही है। कांग्रेस के लगाए गए एलिगेशंस पर एक नजर। एलिगेशन नंबर वन, असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने कहा था ईडी एमएलसी कविता को अरेस्ट नहीं करेगी क्योंकि केसीआर बीजेपी से इंटरनली अलायंस है। एलिगेशन नंबर टू, पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम कांग्रेस लीडर्स ने फिर कहा नेशनल पॉलिटिक्स में केसीआर बीजेपी की हेल्प करेंगे और कविता को बेल मिल जाएगी। एलिगेशन नंबर थ्री, बीआरएस बीजेपी में मर्ज हो जाएगी और केसीआर बीजेपी से मिले हुए। ये तीन एलिगेशंस आपने सुने, अब जरा इसके फैक्ट्स भी सुन लीजिए। फैक्ट नंबर वन, असेंबली इलेक्शंस में जब केसीआर ने बीजेपी की हेल्प की थी तो 16 मार्च को उनकी बेटी एमएलसी कविता को ईडी ने अरेस्ट क्यों किया। फैक्ट नंबर टू, पार्लियामेंट इलेक्शंस हो गए हैं और उसके बाद भी एमएलसी कविता अभी तक जेल में है, और अगर केसीआर ने बीजेपी की हेल्प की थी तो अभी तक कविता को बेल क्यों नहीं मिली। और इंडिया अलायंस के मेंबर आम आदमी पार्टी, जिसे दिल्ली की सारी सीट्स बीजेपी से हार गई और मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जेल से रिहाई मिली। फैक्ट नंबर तीन, बीआरएस एक सेक्युलर पार्टी है जिसमें हिंदू मुस्लिम सबको एक जैसा दर्जा मिला और स्टेट का होम मिनिस्टर भी एक मुस्लिम को बनाया गया था। बीजेपी के पास कितने मुस्लिम एमएलए से एमपी से, बीजेपी की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है इस स्टेट में तो बीआरएस है, क्योंकि पिछले 10 साल में केसीआर ने टीडीपी बीजेपी अलायंस को स्टेट में रो के रखा, लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत में 8 सीट बीजेपी पार्लियामेंट इलेक्शंस में जीत जाती है और फिर डीडीपी दोबारा स्टेट में अपनी पार्टी को बहाल कर रही है। रेवंत रेड्डी साबिखा में टीडीपी से एमएलए रहे और उनका कैडर भी टीडीपी बीजेपी सपोर्टर से भरा हुआ है। कांग्रेस का साथ देने वाली आम आदमी पार्टी, बिहार की लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और भी दूसरे कुछ लीडर्स के खिलाफ अगर ईडी की कार्रवाई होती है तो बीजेपी की साजिश, लेकिन बीआरएस के खिलाफ सेम केस में ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस सही मानती है। एक तरफ केसीआर को कमजोर करने के लिए उनकी बेटी को फंसाकर बीआरएस पर प्रेशर बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ तेलंगाना स्टेट में टीडीपी की एंट्री दोबारा होने का मतलब हो सकता है कि 2029 में बीजेपी टीडीपी अलायंस से तेलंगाना में बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तेलंगाना के मौजूदा चीफ मिनिस्टर पास्ट में टीडीपी से एमएलए रह चुके हैं और क्या भरोसा है इस बात का कि अगर कल को 2029 में बीजेपी टीडीपी अलायंस का चेहरा भी सीएम रेवंत रेड्डी, जो अब कांग्रेस में है, कल को बीजेपी टीडीपी अलायंस का हिस्सा बन जाए और चेहरा चीफ मिनिस्टर का रेवंत रेड्डी ही रहे। इस बात को हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कौन किससे मिला हुआ है, ये बात वाजह तौर पर साबित हो चुकी है।